देख रहे हैं satyahindi.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में यदि आप निष्पक्ष बेबाक पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो satyahindi.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए, और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को आप क्लिक करें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुट और उनको मिलने वाले पैसे को लेकर कभी पाकिस्तान सरकार के किसी एजेंसी का नाम आया है, कभी पाकिस्तान सरकार का नाम आया है, और कभी पाकिस्तान के कुछ नागरिकों का नाम आया है, कभी किसी संगठन का नाम आया है। और ये बात एक नहीं कई बार कही जा चुकी है कि पाकिस्तान में जो सक्रिय आतंकवादी गुट है उनको पैसा मिलता है बाहर से, उनको पैसा मिलता है घर से, और जो टेरर फंडिंग है ये लाख दावों के बावजूद नहीं रुक रही है। अभी जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है और सबके लिए चिंता की बात है, पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए काफी है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है बहुत ही बड़े स्तर पर, और ये बहुत ही धमाकेदार खबर है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान के एक नागरिक अल्ताफ खनानी ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुटों को अरबों डॉलर का पैसा मुहैया कराया है। और ये आतंकवादी गुट आप नाम जानते हैं, मशहूर हैं, कुख्यात हैं, ये हैं जैसे मोहम्मद, लश्करे तैयबा, अलकायदा, और इसके अलावा दाऊद इब्राहिम का नाम भी आया है, जो कि दाऊद इब्राहिम जो भारत से भागकर पाकिस्तान गया हुआ है और पाकिस्तानी एजेंसियों से वहां पाल रही हैं, और वो भारत में कई तरह के सबवर्टिव एक्टिविटीज को फंड करता है और उसमें लगा हुआ है। खबर ये आई है कि अमेरिका की एक वॉच डॉग यानी नियामक संस्था है, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, इसने एक फाइल जारी किया है जिसको अलग अलग नामों से आप पुकार सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और जो इसे कहा गया है उसके मुताबिक चार्टर्ड बैंक ने न्यूयॉर्क में सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट यानी SAR फाइल की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अल्ताफ खनानी का एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल जरूरी एक्सचेंज, और इस अल जरूरी एक्सचेंज के माध्यम से 1999 से लेकर 2017 तक यानी 18 साल में 14 से 16 अरब डॉलर का पैसा सिर्फ पाकिस्तान भेजा गया है, और यह पैसा आतंकवादियों को गया है, यह पैसा ड्रग कार्टेल्स को गया है, यह पैसा क्रिमिनल्स को गया है। तो जो वो फाइल है उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका के ये ऑफिस फॉरेन असेट्स कंट्रोल ने 11 दिसंबर 2015 को एक नोटिस जारी किया, और इस नोटिस में यह कहा गया है कि अल्ताफ खनानी ने इन संगठनों को और इन लोगों को पैसे दिए, और ये पैसे कितने आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ऐसे 2121 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के माध्यम से $2 ट्रिलियन, ट्रिलियन मतलब खरब, $2 ट्रिलियन यानी $2 खरब जो है वो आतंकवादियों को पहुंचाया गया है। और इसका ऑपरेशन जो था, जो इसका कामकाज का तरीका था, वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, यानी सीधे आतंकवादियों के हाथ में कोई आके पैसा देगा ऐसा तो होता नहीं है। तो उसमें होता यह था कि अल जरूनी जो एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो रूसी कंपनी मजाका मिरर नेटवर्क को पैसा देता था, और मजाका मिरर नेटवर्क जो मॉस्को स्थित कंपनी है वो रूस के ऐसे 54 या उससे भी ज्यादा शेल कंपनीज की मदद लेती थी। शेल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो फर्जी हैं, सिर्फ कागज पर है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो मजाका मिरर नेटवर्क है वो इन रूसी सेल कंपनीज के माध्यम से पैसा भेजती थी, और वहां से वो पैसा यूरोप के सिक्योरिटीज मार्केट में जाता था, और सिक्योरिटी मार्केट से फिर पैसा वो UAE आता था, दुबई आता था, वहां से फिर वो पैसा पाकिस्तान जाता था। एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिस नेटवर्क में 50 कंपनियां जिसमें जुड़ी हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, और जो फिनसेन फाइल्स जिसे हम कहते हैं यानी फिनेंशियल क्रिमिनल नेटवर्क ने जो फाइल तैयार किया उसने 20 पेज की एक खुफिया रिपोर्ट बनाई,
उस खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन लोगों को इन शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके $2 खरब भेजा गया। और आपको मैं बताऊं कि इसमें भारत का भी एक नेटवर्क है। भारत का नेटवर्क यह है कि भारत की एक कंपनी रंगोली है, रंगोली इंटरनेशनल। ये जो मजाका, जैसे मैंने आपको कहा कि रूस की कंपनी मजाका थी जो शेल कंपनीज के माध्यम से काम करती थी, तो ये मजाका रंगोली इंटरनेशनल को पैसा भेजती थी। ऐसे 70 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुए और वो पैसा बैंकों के माध्यम से आता था। आश्चर्य की बात है। और वो बैंक सरकारी बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये ऐसे बैंक हैं जिनको रंगोली इंटरनेशनल के लिए पैसा आता था। रंगोली इंटरनेशनल ने अपनी सफाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि वो कपड़ों का एक्सपोर्ट करते थे जो मिडिल ईस्ट कपड़े भेजते थे, और उन कपड़ों के एवज में ये पैसे उन्हें मिले हैं जो कि यूरोप से मिले हैं और अमेरिकन मार्केट से मिले हैं। जो उसके इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने पैसे दिए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है और इन्हें किसी भी तरह से टेरर फंडिंग से इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में यह हुआ कि जो ICIJ एक पत्रकारों का संगठन है, निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारों का संगठन, उसने जब वो अल्ताफ खनानी के वकील से बात की, उनका नाम है मेलबैक, और उनसे पूछा, तो मेलबैक ने कहा कि अल्ताफ खनानी यानी पाकिस्तानी नागरिक अल्ताफ खनानी ने अपराध की बात स्वीकार की है, उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। वो लंबे समय तक जेल में रहे, अभी भी जेल में है। इस दौरान उनके भाई की मौत हो गई, इस दौरान उनका परिवार टूट गया, उनके सारे बैंक खाते सील कर दिए गए, उनके सारी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया और उनकी माली हालत बहुत ही खराब है, और इस तरह के किसी ट्रांजैक्शन से उनका लेन देन कोई मतलब नहीं है। यह कहना है मेलबैक का, वो मेलबैक जो अल्ताफ खनानी के वकील है, वो अल्ताफ खनानी जिन्होंने अल जरूनी नाम के मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से $2 खरब से ज्यादा पैसा पाकिस्तान के आतंकवादियों और ड्रग कार्टेल को भेजा था। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भाई इसमें पाकिस्तान सरकार का तो नाम नहीं आ रहा है। यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह बताऊंगा कि पाकिस्तान सरकार का नाम सीधे तौर पर अभी तो नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज का नाम इसमें ना हो, इससे आप नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि एक संगठन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम ड्रग कार्टेल और टेरर फंडिंग को पैसा ना हो, रोका जाए, इसकी कोशिश करना है। भारत भी उसका मेंबर है। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, यानी उसे अलग अलग 3-3 महीने करके उसे तकरीबन 1.5 साल का समय दिया जा चुका है कि अपने को सुधार ले, वरना वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। और अगर एक बार ब्लैक लिस्टेड हो गया तो फिर उसे IMF, वर्ल्ड बैंक या किसी भी लेंडिंग एजेंसी से कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसके पास इन्वेस्टर्स नहीं जाएंगे, और आर्थिक रूप से पाकिस्तान और फटेहाल हो जाएगा और बदहाल हो जाएगा। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, वो बार बार कहते हैं कि ये नया पाकिस्तान है, ये एक ऐसा पाकिस्तान है जहां जो इस तरह की बातें टेरर फंडिंग, टेररिज्म सब अतीत में होती थी, अब नया पाकिस्तान इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, और इसीलिए टेरर फंडिंग को नहीं अलाउ किया जाएगा, टेरर फंडिंग को रोका जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो $2 ट्रिलियन पाकिस्तान आए, वो कहाँ गए? वो पाकिस्तान कैसे आए? जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, क्या उनको पता नहीं है? पाकिस्तान सरकार जो बार बार कहती है कि हम टेरर फंडिंग रोक रहे हैं, और जो टेरर आउटफिट्स के, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम FATF ने दिए हैं और कहा है कि इनकी फंडिंग पर आप निगरानी रखिए, इनकी फंडिंग आप रोकिए, और पाकिस्तान सरकार ने बार बार कहा है हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, और पाकिस्तान सरकार ने दिखावे के लिए कुछ जगहों पर कार्रवाई की है, कुछ जगहों पर छापे मारे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ पैसे सीज किए हैं। तो जो पाकिस्तानी एजेंसीज इन टेरर फंडिंग को रोकने का दावा करती है, क्या उन पाकिस्तानी एजेंसीज की नजर इस पर नहीं गई कि उसका एक नागरिक जिसका नाम अल्ताफ खनानी है, जो अमेरिका में बैठा हुआ है और पाकिस्तानी नागरिक होते हुए इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, जो $2 खरब पाकिस्तान भेज रहा है, वो पैसे कहां गए? वो पाकिस्तान में किन लोगों को मिले, और इसकी जानकारी पाकिस्तान के एजेंसीज को क्यों नहीं है? इसकी जानकारी पाकिस्तान के फेडरल पुलिस को क्यों नहीं है? इसकी जानकारी पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड टेरर फाइटिंग एजेंसीज है उनको क्यों नहीं है? मेरा मानना है कि इसकी जानकारी पाकिस्तान के एजेंसीज को होगी या होनी चाहिए।
अगर ये नहीं है तो ज्यादा चिंता की बात है और पाकिस्तान के इस दावे की पोल खोलती है कि पाकिस्तान FATF के दबाव में ही से ही टेरर फंडिंग को रोक रहा है। और अगर इसकी जानकारी पाकिस्तान सरकार को है तो भी गंभीर बात है कि पाकिस्तान सरकार टेरर फंडिंग को रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, टेरर फंडिंग नहीं रोक पा रही है। अब सवाल उठता है ये कि जो पाकिस्तान सरकार टेरर फंडिंग नहीं रोक रही है या नहीं रोक पा रही है या रोकने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, उससे क्या होगा? उससे जो वहां उतने बड़े बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेरर नेटवर्क्स हैं, जैसे मोहम्मद, अलकायदा और लश्कर तैयबा, इनको ऑपरेट करने में सुविधा होगी और ये दुनिया के तमाम जगहों पर जिसमें भारत इंक्लूडेड है और भारत के लिए बहुत बड़े खतरे हैं तो भारत में इस तरह के टेरर एक्टिविटीज करेंगे। इसका क्या जवाब है? सवाल वही उठता है कि इस नया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इसका जवाब तो पाकिस्तान सरकार दे सकती है, पाकिस्तानी एजेंसी दे सकती है और उस नया पाकिस्तान के जनक है इमरान खान, वो दे सकते हैं। फिलहाल आप देखिए satyahindi.com, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहिए satyahindi.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।